अक्सर हम लोग एक काम को शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिन तक उस काम को सही तरीके से करने के बाद उस काम से अपना फोकस लूज कर देते हैं। यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता बल्कि सबके साथ होता है। हम लोग जब उस काम की शुरुआत करते हैं तब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और पूरी लगन से उस काम को पूरा करते हैं और फिर धीरे धीरे यह मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और हम अपने काम से भटक जाते हैं। मोटिवेशन का हमेशा बने रहना एक नामुमकिन जैसी चीज़ है। हमारी लाइफ के हर एक्सेप्ट पर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिसका असर हमारे मोटिवेट रहने पर भी होता है। मोटिवेशन आता जाता रहता है लेकिन अगर आप मोटिवेशन को खो देते हो और उसे वापस लाने का प्रयास नहीं करोगे तो आप उस काम के प्रति जो लगन है उसे खो सकते हो। तो जब भी आप अपना किसी काम को करने का मोटिवेशन खो देते हो तो उसे तुरंत वापस लाएं और अपने अंदर से उस काम के प्रति इंस्पायर हो जाएं। हमेशा खुद में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने अंदर मोटिवेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए उन चीज़ों को जान लेते हैं। बड़ा डिजायर बनाएं। आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा गोल हो, आप अपने काम में कुछ बड़ा करना चाहते हो या आप अपने किसी फील्ड में बहुत आगे तक जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप उस चीज़ को अचीव करने का अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिजायर बनाएं। आपका जितना बड़ा डिजायर होगा आपकी उतनी बड़ी जीत भी होगी। किसी चीज़ को पाने की चाह में जो पावर आती है वह बहुत ही बड़ी होती है। आप जो भी करना चाहते हो उसके बारे में सोचें, उसे पूरा होते हुए कल्पना करें और यह फील करें कि जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे तो आप किस मुकाम पर होंगे। इस तरह से जब आप खुद के अंदर अपने डिजायर का एक बहुत बड़ा सपना बना लोगे तो यह आपको उस चीज़ को पाने में हेल्प करेगा और जब भी आप डिमोटिवेट होगे तो आप फिर से कमबैक कर लोगे। सही चीज़ों पर फोकस रखें। अक्सर हम तब अपना मोटिवेशन खो देते हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर देते हैं। जब भी हम अपने काम से हटकर दूसरों चीज़ों को तवज्जो देने लगते हैं और अपने लक्ष्य से फोकस हटाकर कुछ और करने में लग जाते हैं तब हम अपने काम से मोटिवेशन खो देते हैं। अगर हम अपने काम पर लगातार फोकस रहते हुए काम करते जाएंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। वहीं जब भी हम अपने काम के रिदिम को तोड़ते हैं तो हम खुद को कमज़ोर बनाने का काम करते हैं और अपने बनाए हुए अनुशासन को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा लक्ष्य के प्रति अनुशासन बनाए रखना हमें हमेशा मोटिवेशन देता है। तो कभी भी उन चीज़ों पर फोकस मत रखें जिन चीज़ों को आप पाना नहीं चाहते या जो चीज़ आपको आपके काम से भटकाती है। बुरे चीज़ों में ना फंसें। हम इंसान हैं और हमसे जो सबसे बड़ी भूल होती है वह है खुद के अंदर बुरी आदतें और चीज़ों को पाल लेना। हम कई छोटी छोटी बुरी आदतों को अपना लेते हैं जिससे हम उन आदतों के आदि हो जाते हैं और ये आदतें हमें ना चाहते हुए भी एक कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य अपने आप कभी भी पूरा नहीं होता बल्कि रोज़ की थोड़ी मेहनत उसे बड़ा बनाती है। हम यहीं पर बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपनी बुरी आदतों के कारण कई बार अपने काम को टाल देते हैं। हम अक्सर अपना अनुशासन तोड़ देते हैं। हम कई बुरे चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और वहीं हम अपने काम से भटक जाते हैं जो हमारे मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। काम में भटकाव आपको उस चीज़ को अचीव नहीं करने देगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काम करते जाएं, बस कुछ मत सुनो, एक चीज़ को फॉलो करें, काम करते जाएं। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम को करने में कई बाधाएं और परेशानियां ज़रूर आएंगी। कई ऐसे मौके आएंगे जब आपका उस काम को करना मुश्किल लगेगा। कई बार तो ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि इस काम को या लक्ष्य को ख़त्म ही कर दूँ। कई बार कई दिनों तक आप अपने रूटीन को फॉलो करना बंद कर दोगे लेकिन आप तब इस बात का ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो मुझे बस अपना काम करते जाना है, मुझे वह पाना है जो मुझे चाहिए और उस चीज़ के लिए मैं हर रोज़ काम करने को तैयार हूँ। इस तरह से जब भी तुम खुद को डीमोटिवेट महसूस करोगे आपको यह लगातार काम करने की आदत तेज़ी से एनर्जी से भर देगी और आपको मोटिवेट कराएगी। खुद को हमेशा अपडेट रखें। खुद को हमेशा अपडेट रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बदल रही है और हर चीज़ में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप उन बदलते हुए चीज़ों से अपडेट नहीं रहोगे तो शायद आप उन लोगों से पीछे रह जाओगे जो आपके कंपटीटर हैं। आप जो भी काम कर रहे हों या जो भी पाना चाहते हों उसमें चेंजेस आने ही आने हैं। अगर आप उस काम की इम्पोर्टेंट अपडेट कवर नहीं कर पाए तो पीछे रह जाओगे जो आपका मोटिवेशन लूज कर देगी। खुद को उन चीज़ों से हमेशा मोटिवेट रखिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हों। बाकी चीज़ें आपको भले ही पता ना हो
लेकिन अगर खुद के काम से रिलेटेड जानकारी आपको पता नहीं होगी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ टिप्स जो आपको हमेशा मोटिवेट रहने और डीमोटिवेट होने पर फिर से बाउंस बैक करने में हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं।